नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बच्चों का स्वादिष्ट खाना। जे मैंने भुने हुए आलू ले लिए हैं, जिनको हम मैश करेंगे। अब हम इसमें नमक, मिर्ची और हल्दी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्सर कर लेंगे, मैच हो जाए। अब हम साइड में प्याज काट लेंगे और घी ले लेंगे। इसे तैयार करने के लिए अब दो रोटी बनाएंगे। रोटी पर घी लगाएंगे, वे आलू का भुजिया डाल देंगे। ये जो देसी घी है हमने घर पे बनाया है, देसी घी अच्छे से रोटी को लगा देंगे। लगाने के बाद अब हम इस पे आलू का भुजिया डालेंगे जो हमने अभी मिक्सर किया था। इसे भी अच्छे से भर देंगे। जिससे ये हमारा पिज्जा जो है भरा भरा बने। अब देखिए सारे आलू को मैंने रोटी पे लगा दिया है। अब देखिए जो हमारी रोटी पर आलू का पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब देखिए रोटी हमारी तैयार है। अब हम इस पे प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद और ऊपर हरिया सूखा धनिया डाल देंगे। प्याज को अच्छे से डालेंगे ताकि पराठा भारी बन जाए। पिज्जा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पराठे को हम पिज्जा स्टाइल से बनाते हैं। अब हम डालेंगे इस पर सूखा धनिया, जिससे के अच्छी खुशबू आए और बच्चे खुशी खुशी खाएं। अब देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट लगता है। इसको आप मैक्रोवेव में भी रख सकते हैं और तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे बनाने के लिए दूसरी रोटी को इसका सपोर्ट लेंगे। अब हम घी लगा के दूसरी रोटी ऊपर लगा दी है। अब हम इस पे भी घी लगा देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। अब देखिए मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। अब दूसरी तरफ पे लगा देंगे ताकि दोनों तरफ से पक जाए। आप अपने हिसाब से भी पका सकते हैं। हमें थोड़ा क्रंची चाहिए तो हम अपने हिसाब से पकाते हैं। हम दूसरी रोटी को साइड पे रख देंगे। अब जो प्याज है उसको भी पकाएंगे। हम इस पे भी घी लगा देंगे। घी को अच्छे से लगाएंगे। आप चाहे तो अमूल मक्खन भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, पनीर और शिमला मिर्च। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, आप डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सेक लगा देंगे, पलटी करेंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। चलिए अब हमारा पराठा तैयार है। अब
देखिए हमारा पराठा इस तरीके से बन चुका है। अब हमारी जो दूसरी रोटी थी उसको भी अच्छे से पका लेंगे, सूखा धनिया डाल देंगे ताकि इसका भी टेस्ट बन जाए, और इस पे भी देसी घी लगा देंगे। आप चाहे तो बिना किसी फिलिंग से भी ऐसे खा सकते हैं, बिना प्याज के भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब हमारा पराठा तैयार है, अब हम करेंगे प्लेटिंग। प्लेट में पराठे को रख लिया है, अब दूसरा पराठा भी तैयार है, इसको भी हम दूसरे पराठे को भी रख देंगे। आप देखिए इस पराठे को हम गोल करके रखेंगे ताकि बच्चों को अच्छा लगे। आप पीछे पराठे को हम दो हिस्से में काट लेंगे। आज हमने पीछे पराठे को मलाई से सजा दिया है, अब हम मलाई से डेकोरिंग करेंगे ताकि ये हेल्थी हो जाए। आप चाहे तो इसमें टमाटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इससे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने टमाटोस का भी इस्तेमाल किया है ताकि इसका टेस्ट खट्टा मीठा हो जाए। आप इसमें हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे हरी चटनी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए हमारी प्लेटिंग तैयार हो चुकी है ताकि बूढ़े और बच्चे खुश होके खाएं, और बड़े तो प्यार से ही खा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप इसे सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं और दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं। सूखा मेथी है, सूखी मेथी और जुमैन का पुराने ज़माने से इस्तेमाल किया जाता है, आप भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं ताकि उसका पाचन अच्छा रहे और पेट की कोई प्रॉब्लम ना आए। सुबह खाली पेट चुमैन पाने से भी हमारा जो वजन है कम होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।